गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोट्री में नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है माई हेवन। ये पोएम ग्रेट पोएट आर एन टैगोर, फुल नेम रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। ये उनकी फेमस रचना गीतांजलि से सेलेक्टेड है। इसके लिए रवीन्द्रनाथ को 1913 में साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था। वैसे तो पोएम इन प्रोज देखने में आपको लगेगी, क्योंकि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, कविता है। हर व्यक्ति का अपने देश के प्रति विचार होता है और हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि मेरा देश, मेरा घर, मेरा वतन कैसा हो। इसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर के सपनों की, भारत की झलक हमें देखने को मिलती है। इट इज एन इंस्पायरिंग पोएम and produces its effect by the vision of India and Indians to be. It is full of patriotic feelings of the poet and gives the poet's vision of making India an ideal land. Tagore wants his country to be free from narrow-mindedness and distinction of caste, creed, color and language. Thus the poem has a universal appeal. The style and diction of the poet is also excellent. Tagore preaches his countrymen to be hardworking, to use their reason in thinking and doing. He advises to have faith in God and his prayer. The poet has beautifully and intelligently selected the proper words. The poet has given us the picture of an ideal India of his dreams. India should be a country where people live frank and fearless. They should also live with dignity. The country should not be divided on the basis of caste, color, creed, and language. Indian people should be sincere and truthful. They should be also hardworking. Their outlook should be progressive. People of India should be men of action and poet wants that
इंडियन पीपल शुड एडॉप्ट न्यू कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. In poem, let us see the whips of the poet. First, we should study this poem and try to know the feelings of the poet. Where is the mind is without fear? Poet chahta hai ki Bharat ek aisa desh ho jahan logon ka mind fearless ho. It means people of India should be frank, free and fearless. Bharat ek desh ek aisa desh ho जहाँ पर लोग भय से रहित स्वाभिमान के साथ रहें. एंड हेड इज हेल्ड हाई, स्वाभिमान से उनका सर ऊंचा. दे शुड लिव विद डिग्निटी, प्राइड. आज अंतर स्वाभिमान की बात तो है नहीं, मनी हम सबकी मजबूरी है, पैसा बहुत जरूरी है. स्वाभिमान की बात या देशभक्ति की बात आज लोगों से दूर जा रही है. लोग सेल्फिश हो गए. अगर फिश होते तो ज़्यादा अच्छा होता. एक छोटे से जीव से सीखिए, वो फिश है. जाल परे बही जात जल, तज मीनन को मोह. जब जाल डालते हैं हम लोग, नेट डालते हैं तो पानी बह जाता है, लेकिन मछली उसके लिए तड़पती रहती, क्योंकि वो फिश है. वो सच्चा प्रेम करती है जल से, और जल बेवफा है, उसे छोड़ करके भाग जाता है. हमें देश के प्रति सच्चा प्रेम रखना चाहिए. क्यों? जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. फल खाए जिस वृक्ष के, गंदी की नहीं पात. धर्म हमारा यही है कि जलूं उसी के साथ. सुख दुख में हम अपने देश के साथ रहें, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें. इसमें पोएट की अपने देश भक्ति प्रकट हुई है. वो अपने देश से, अपने देशवासियों से कितना प्रेम करते थे. आज जो राष्ट्रगान आप गाते हैं, नेशनल एंथम, जनगण मन अधिनायक जय है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही लिखा है. और कब की भावना है कि हमारा देश कैसे हो, हमारा देश एक ऐसा देश हो जहां पर लोग फ्री रहें, फ्रैंक रहें और स्वाभिमान के साथ रहें. आज स्वाभिमान की बात कहां? पहले था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. आज क्या है? सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं. अंतर है विचारों का. एक पोएट की भावना है कि लोग सम्मान के साथ जिए, सर उठा करके जिए. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान फ्री हो. इसके दो अर्थ निकल सकते हैं. बच्चे आजकल बात भी चल रही है कि फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए. संभव नहीं है. आप इतिहास और वैदिक युग में आप चले जाइए, गुरु की गुरुदक्षिणा अगर नहीं आपने दी तो वो शिक्षा काम नहीं आएगी.
और रविन्द्र टैगोर ने ये नहीं कहा कि सबको फ्री शिक्षा दी जाए, इसका भाव क्लियर करिए। द डोर्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी ओपन टू ऑल। हमारे यहाँ जाति प्रथा थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ने का अधिकार था, शूद्र को केवल सेवा करने, जो सबसे इंपॉर्टेंट। बेटा हमारे शरीर में हर व्यक्ति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, हमारा ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये भरण पोषण वैश्य और शूद्र, लेकिन इंपॉर्टेंट निचला भाग बहुत। पोएट की कल्पना थी कि हमारे देश में शिक्षा सबके लिए अवेलेबल, सुलभ, ये मतलब नहीं फ्री हो, गुरुदक्षिणा तो देनी ही चाहिए, बिना गुरुदक्षिणा के वो शिक्षा वक्त आने पर काम नहीं आती है। कर्ण का देखा है हाल, परशुराम से सीखा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हम केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते। तो कर्ण ने कहा कि मैं जिससे आपने सीखा उससे सीखूंगा, आप मत सिखाइए। गया ब्राह्मण के रूप में, परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को सिखाते, ब्राह्मण के रूप में सीखा। एक दिन कोई विषैला कीड़ा उनकी जांघ को काटने लगा। किसकी जांघ? कर्ण। कर्ण ने सोचा कि गुरुजी जग न जाए, गुरुजी सोए हुए थे, सर रखे हुए उसकी जांघ, तो पैर नहीं उठाया, लेकिन रक्त की धार जब गुरुजी के पड़ी, वो जग गए। उन्होंने कहा तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण वेदना नहीं झेल सकता। और फिर उन्होंने पूछा कि तू कौन है, तो बताया अपनी पूरी कहानी। गुरुजी ने श्राप दे दिया, जा वक्त आने पर ये शिक्षा कभी काम नहीं आएगी, करने में भी नहीं चुकाया। गुरुदक्षिणा की बात आज भी परशुराम जी के बारे में भी ऐसे ही कहा गया, तो जिन्होंने अपने गुरु को नहीं दी, चेले से उनको नहीं दी, बात बराबर है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, लेकिन उनकी गुरुदक्षिणा। यहां पर जो पोएट का भाव है बेटा, वो केवल ये है कि किसी के लिए स्कूल के कॉलेज के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगली लाइन बहुत ही अच्छी कही है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर संसार, यहाँ संसार का अर्थ है लोगों का समूह, जहां पर भारत देश से, यानी हमारा देश टुकड़ों में ना बटा हो, ब्रोकन अप टू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स माने टुकड़े, भारत टुकड़ों में ना बटा हो। कैसे? बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, डोमेस्टिक माने घरेलू, वाल्स माने दीवारें, नैरो माने संकीर्ण। ये कौन सी है? जाति पाति भाषा रंग रूप की जो दीवारें, इनके आधार पर हमारा देश बटा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, कास्ट, जात, क्रीड, धर्म, कलर, रंग एंड लैंग्वेज, इनकी आधार पर हमारा देश बटा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इंडिया शुड बी यूनाइटेड एंड इंडियन शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक इंडिया यूनाइटेड। Where the words come out from the depth of truth, जहां पर शब्द हृदय की गहराई से निकले, हृदय की गहराई से निकले,
मतलब पीपुल ऑफ इंडिया शुड बी ट्रुथफुल, सत्यवादी, हरिश्चंद्र की तरह वो लोग। और आज तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के खातिर मैंने लोगों को बाजार में बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में और हमारे वैदिक पुराणों में, कथाओं में मिलता है कि भारतीय लोग सत्य के खातिर अपने जीवन को न्योछावर कर दिए। पोएट वही कल्पना करता है कि भारत एक ऐसा देश हो जहां के लोग सत्य बोले। आज स्थिति उल्टी दिखाई देती है बच्चों, 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिए, ट्रुथ कैन बी पजल्ड बट नॉट डिफीटेड। कितना झूठ बोल लो, झूठ को श्रृंगार की जरूरत होती है, सत्य को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सत्य सो सत्य होता है, सत्य की ही विजय होती है। कवि की कल्पना है, कवि का सपना है कि हमारा देश एक ऐसा देश हो जहां पर लोग सत्य हृदय की गहराई से, डेप्थ से वर्ड्स निकले। इट मींस इंडियन पीपल शुड बी ट्रुथफुल, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। अगली लाइन, वेयर टायरलेस, टायरलेस कंटिन्यू एफर्ट्स, कभी थके नहीं लोग कार्य करने से। इट मीन्स हार्ड वर्किंग हो, स्ट्रिविंग स्ट्रेचेड इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्ट पूर्णतया, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हम पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन परफेक्शन होता ही नहीं, अनंत है। जितना धन प्राप्त कर रहे हैं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उसकी कोई सीमा नहीं। तो यानी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ वी शुड वर्क हार्ड टू गेट परफेक्शन इन लाइफ। हमेशा हमें लगातार परिश्रम से थकना नहीं चाहिए। बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, थक गए, नहीं। आज जो है आपने दशा माप लाइफ में भी जो आज है, चाहे नॉलेज हो या फिर धन की बात हो, उससे अधिक गेन करने के लिए प्रतिक्षण, प्रतिदिन हम कठिन परिश्रम करें। हमारी इच्छा ना मरे, बस बहुत हो गया, थक गए, हम आलसी ना हो जाए, लेजी हो जाए। वी शुड वर्क हार्ड टू गेट परफेक्शन इन लाइफ। हमेशा हम लोग कठिन परिश्रम करें जीवन में पूर्णता लाने के लिए, सब कुछ गेन करने के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्या गजब का मेटाफर यूज किया हुआ है, रूपक अलंकार। बच्चों, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, सिमली का प्रयोग हम करते हैं और वहीं पर कुछ लोग मेटाफर के। जो विद्वान लोग होते हैं वो सिमली नहीं, मेटाफर का प्रयोग अधिक किया करते हैं। करते हैं, सिमली का प्रयोग भी करते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, तर्क को जैसे हम लोग कहते हैं ज्ञान की गंगा, तो वहीं तर्क को एक स्ट्रीम माना, एक धारा माना, एक रियल धारा। हमारी जो
मरुभूमि है, रेगिस्तान है हमारा, डिजर्ट, नदियां जाकर के वहां सूख जाती हैं। हमारी जो तर्क की स्वच्छ विचारधारा है वो मरुस्थल, मरुस्थल किसको कहा, डेड हैबिट्स, हमारे अंधविश्वास, उसको को कभी ने डेड हैबिट्स माना है। जैसे नदी जाकर के अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, सूख जाती है डिजर्ट में, रेगिस्तान में, साइंस में, उसी तरह हमारे विचार अंधविश्वासों में जाकर ना खो जाएं। क्या गजब रूपक यूज किया है पोएट ने, क्या, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खो दे, इन टू द डरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। तर्क की स्वच्छ विचारधारा हमारी जो डेड हैबिट्स है उसमें जाकर के ना खो जाए। इट मीन्स पीपुल ऑफ इंडिया शुड ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट न्यू कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पीपुल ऑफ इंडिया शुड नॉट बी कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स, जो ब्लाइंड बिलीफ में जाकर के रुक जाए। हमारी जो पुरानी परंपरा, नेहरू जी ने भी द गंगा में, आपने पढ़ा है द गंगा, कि इंडिया शुड गेट रिड ऑफ ओल्ड कस्टम एंड सिस्टम्स, ट्रेडिशंस। किन ट्रेडिशंस की बात की है, ब्लाइंड ट्रेडिशंस कस्टम्स की बात की है, बिकॉज दे चेक द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, दे डिवाइड द पीपुल, लोगों को बांटती हैं, दे चेक द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सोल। वहीं पर आर्यन टैगोर ने भी वही बात कही है, जो हमारे अंधविश्वास उनको हमें छोड़ना हो, हमें कंजर्वेटिव नहीं बनना है। वी शुड ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट न्यू कस्टम्स एंड सिस्टम्स, ट्रेडिशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, तर्क के आधार पर हमें इनोवेटर बनना है, हमें नए विचारों को समय के आधार पर अडॉप्ट करना है, अपनाना है। पुराने जो अंधविश्वास हैं, ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, उनको हमें छोड़ना है, तभी हमारा देश एक आइडियल लाइक हेवन बन पाएगा। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, भगवान से प्रार्थना करते हुए पोएट कहता है कि लोगों की जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, वो प्रोग्रेसिव वाइड हो। दी इन टू दी आप गॉड के लिए यूज किया गया, इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। आपकी जब कृपा होगी तब हमारे देश के लोग, आपकी कृपा से ही हमारे देश के लोग ज्ञान योगी बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे। कर्म का पाठ देखिए, ऊपर वाले की कृपा है, यानी लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दिया गीता में, गीता हमें किसका पाठ पढ़ाती है, कर्मणे वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हमारे जो ज्ञान का योग, ज्ञान योग उपनिषद सिखाते हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं वो सिखाते हैं, गीता हमें कर्म का पाठ पढ़ाती है। तो हे प्रभु, हमारे देश के लोग ऐसा प्रे कर रहा है पोएट, हमारे देश के लोगों को ज्ञान योगी बना दीजिए, कर्म योगी बना दीजिए। हेवन जैसी फ्रीडम हमारे देश के लोगों को दो, जो जैसे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता होती, यहाँ फ्रीडम की बात बेटा, इस लाइन को
हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता चाहिए। अधिकांशतः लोग ये समझते हैं कि आर्यन टैगोर अंग्रेजों से, ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, उनका ये विचार नहीं है। अंग्रेजों से, अंग्रेजी सत्ता से छुटकारे की बात नहीं कर रहे हैं आर्यन टैगोर। वो कर रहे हैं बैड हैबिट से हमें फ्रीडम चाहिए। हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो बुरी आदतें, उससे भारत के लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। माई फादर लेट माई कंट्री वेक। हमारे देश के लोग जो सो रहे हैं, ए फादर, ए पिता, यहाँ परम पिता की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, हमें, हमारे देशवासियों को जगा दीजिए, वो फिर से जागृत हो जाएं जो सो गए हुए हैं। ये फीलिंग्स एक अपने स्वप्न की, भारत कैसा हो, उस स्वप्न के झलक दिखाई है इसमें आर्यन टैगोर ने। इट मीन्स इट इज एन इंस्पायरिंग पॉइंट एज वेल एज पैट्रियोटिक पोएम, फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स। इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक, फेमस बुक द गीतांजलि। फॉर इट आर्यन टैगोर गॉट नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेज हिज लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ही वांट्स फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, सोशल और स्पिरिचुअल। ही लव्ड इंडिया वेरी मच एंड वाज अ ट्रू पैट्रियट। इन दिस पोएम ही एक्सप्रेसेज हिज लव फॉर इंडिया। सो ही डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ इंडिया should be. He imagines a country where people live free, frank and fearless. They should live with dignity. There should be no distinction of caste, race and language. He wanted to make his country heaven on the earth. Again, the poet says that India should be a place where people live free, frank and fearless. They should live with pride. Knowledge should be given to all. It means the golden doors of schools and colleges should be open to all. India should not be divided on the basis of caste, creed, color, and languages. These are narrow domestic walls where the words come from the depth of truth. हृदय की गहराई से शब्द निकले। इट मीन्स लोग कि कहने में और करने में कोई डिफरेंस, नो डिफरेंट इन डूइंग आर सेइंग। कहने और करने में, डूइंग एंड सेइंग, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इंडिया शुड बी अ प्लेस वेयर पीपल शुड बी ट्रूथफुल, hardworking and sincere. They should work hard
थ्रू आउट हिज लाइफ टू गेट परफेक्शन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. दे शुड ऑलवेज रेडी टू adopt न्यू कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट. इट मीन दे शुड नॉट बी ऑर्थोडॉक्स आर कंजर्वेटिव. दे शुड बी इनोवेटर्स अकॉर्डिंग टू पोएट. इंडियन पीपल शुड ऑलवेज अडॉप्ट न्यू कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट. दे शुड लीव देयर ब्लाइंड बिलीव्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. द पीपुल ऑफ इंडिया शुड बी मैन ऑफ एक्शन एज वेल एज नॉलेज. द पीपुल ऑफ इंडिया शुड बी गिवन फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स एंड दे शुड वर्क कंटिन्यूअसली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. ओके, टेक केयर.